भारतवर्ष एक प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पर कानून के अनुसार ही काम होना चाहिए और किया जाना चाहिए। पुलिस को ये अधिकार है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। कानून के अनुसार जब पुलिस कार्रवाई कर रही है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए, लेकिन देखा यह गया है कि पिछले कुछ अरसे से कुछ राजनीतिक पार्टियां के लोग जो छोटे लेवल के हैं चाहे ऊपर लेवल के हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना रौब गांठने के लिए, ये बताने के लिए देखो साहब मैं कितना प्रभावशाली होता हूँ, जो सही काम कर रहे हैं उसको भी कह देते हैं कि नहीं तूने मेरे आदमी को ये बिना हेलमेट के जो है जाएगा तो जाएगा, कानून का उल्लंघन करेगा तो करेगा, इसको छोड़ दीजिए, ये मेरा पार्टी का आदमी है, ये मेरा वोटर है, तो ये तो बात गलत है। तो जो भी कानून के अनुसार काम कर रहा है उस पुलिस वाले को या उस राज्य कर्मचारी को, जरूरी नहीं है पुलिस वाले को, अभी रिसेंटली यहाँ पर जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं सुनीता जी गुजर, उसको मदार गेट के ऊपर जब वो नियमानुसार नगर परिषद के दस्ते के साथ में मदार गेट से अतिक्रमण हटवा रहे थे, तो अतिक्रमण हटाते समय उन्होंने सबसे पहले समझाइश की कि भाई आप लोग यहाँ पे पहले बताई हुई है, यहाँ पे सफ़ेद लाइन डाली हुई है, इस लाइन के अंदर आप अपना सामान रखिए और जो आपके ग्राहक वगैरह भी आते हैं उनके स्कूटर वगैरह छोटे मोटे वाहन जो हैं उसको भी इसके अंदर रखिए, लेकिन उन्होंने उनको बुरा भला कहा और कहा कि यहाँ तो हमारा ही राज चलेगा, हम व्यापारी लोग हैं, हमारा संगठन है, हम जाएंगे जैसा कर देंगे आपके खिलाफ, और मतलब जो है बदतमीजी से उनसे पेश आए, और उन्होंने यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं वासुदेव नानी जी उनको कहा, और वासुदेव नानी जी ने ये कहा बताया कि भाई आपको जो है नौकरी करना सिखा देंगे, नौकरी भुला देंगे, तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देंगे, तुम्हें देख लेंगे, तो इस ये वासुदेव नानी जी के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा। तो ये चीज़ें जो है किसी भी पुलिस अधिकारी को, चाहे वो छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो, उसको जो अपने राजकीय जो काम है उसका, उस राजकीय काम में बाधा पहुंचवाई जा रही है जो कि सरकार, आज हमने आदरणीय कलेक्टर साहब को इसका ज्ञापन दिया ताकि इसकी एक प्रति जो है आदरणीय नए मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत के पास पहुँचाएँ, साथ में ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी इसकी कॉपी दी कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए और जो भी इसमें जो दोषी है उसको दंडित किया जाए। आपका परिचय? मैं भगवान सिंह, DYSP रिटायर्ड, पूर्व ट्रैफिक इंस्पेक्टर अजमेर, क्लॉक टावर इंचार्ज, क्राइम ब्रांच इंचार्ज, स्टाफ इंचार्ज।